वेलकम टू कुक्ड अप डिलाइट। आज हम बनाएंगे हांडी चिकन। इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 kg चिकन, प्याज 600 ग्राम या 7 से 8 मीडियम साइज की, अदरक 1 इंच, हरी मिर्च 3 से 4, लहसुन की कलियां 25 से 30, काली मिर्च 15 से 20 दाने, गर्म मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, जायफल घिसी हुई 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, धनिया 3 टेबलस्पून, तेज पत्ता 4 से 5, लाल मिर्च 4 से 5, शाहजीरा 1/2 टीस्पून, बड़ी इलायची 1, जीरा 1/2 टीस्पून, लौंग 5 से 6, हरी इलायची 3 से 4, चक्रफूल 1, जावित्री 2 या 3 और दालचीनी 2 स्टिक, 1 कप आटा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून और फ्रेश मलाई 4 टेबलस्पून। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 2/3 कप तेल लेंगे। उसको गर्म करने के बाद उसमें सारे साबुत मसालों को उसमें तड़का देंगे। अब हम गैस को बंद करके तेल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब हम चिकन लेंगे, उसमें चॉप किए हुए प्याज को डालेंगे और अब तड़के हुए मसाले और तेल को भी उसमें मिला लेंगे। अब धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसालों को और चॉप किए हुए अदरक और लहसुन को भी उसमें डालेंगे। मलाई जो हमने 4 टेबलस्पून लिए थे उसको डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी को भी मिला देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अलग से 2 टेबलस्पून तेल को गरम करेंगे, उसे हांडी में डालेंगे। हांडी में तेल डालने से मसाले नीचे तली से नहीं चिपकते। अब हम मसालों से मिले चिकन को हांडी में डालेंगे। और ऊपर से उसमें जायफल को और जो थोड़ी प्याज हम बचा के रखे थे उसको भी हम उसमें डाल देंगे। हमने 1/2 टीस्पून गर्म मसाला अलग से डाला है। अब हमने जो आटा लिया था उसे पेस्ट बनाएंगे। इसे थोड़ा गाढ़ा ही बनाएंगे और बनाए हुए पेस्ट से हम इसकी लीड को सील कर देंगे। अब इसको हम गैस पे रखेंगे। पहले 5 से 7 मिनट तक हम आंच को तेज रखेंगे, फिर बिल्कुल स्लो आंच में हम हांडी को रखेंगे। इसे हम लगभग 50 मिनट तक के लिए धीरे आंच में पकने देंगे। 50 मिनट के बाद हम गैस को बंद करेंगे। 10 मिनट के बाद में हम इसकी सील को खोलेंगे। ये हमारी हांडी चिकन तैयार है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। Somebody who loves you, somebody who needs you.